नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 81 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक सुंदर आसन के बारे में, नावासन। नावासन क्या है, इसकी विधि, इसकी सावधानी और इसके प्रभाव। नावासन को करते समय शरीर की आकृति आप देखें, किसी जल में चलती हुई नाव के भांति बन जाती है। शरीर ऐसे डोलता है जैसे नाव जल में डोलती है, और इसे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आसन की पूर्ण स्थिति में जब माथा आगे की ओर हम पीठ को तानते हुए घुटने से आगे लगाते हैं तो शरीर की पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति बनती है। गत्यात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति गति के साथ लगती है, बारंबार लगती है, हम उसमें ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं, वो तुरंत हम उसके आगे जैसे डोलने वाली क्रिया में रहते हैं, इसलिए इसे गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन भी कहा गया है। थोड़ा सा इसको समझ लें फिर इसको करके दिखाएंगे। इसमें पीठ के बल साधक आसन पर लेट जाता है, दोनों बाजू शरीर के साथ रहती हैं, उंगलियां मिली हुई, हथेलियां धरती की ओर रहती हैं, एड़ी पंजे मिलाए जाते हैं, फिर पंजों को ताना जाता है। उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को उठाते हुए हम सर की ओर लेकर के आते हैं, और बहुत धीरे से पंजों को दूर से दूर धरती पर टिका देते हैं। अब श्वास निकालते हुए टांगों को आगे की ओर, धड़ और बाजू कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे फिर आगे की ओर झुकते हैं, और माथे को हम प्रयास करते हैं कि ये हमारे घुटनों से आगे जाके टांगों को स्पर्श करें, और दोनों हथेलियों को हम प्रारंभिक अवस्था में प्रयास करते हैं कि पंजों से आगे निकलें। पर जब यह अभ्यास पक्का हो जाए उसके बाद हम अंगूठों को पकड़ सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन में पकड़ा जाता है। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, आसन चाहे आपको कहीं तक भी आप जाएं, बाजू कानों से नहीं हटने चाहिए, और गति अति तीव्र नहीं होनी चाहिए, सामान्य गति, बड़े आराम से इसको डोलना है, वरना रीढ़ में जक्स पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार इसे देख लें फिर इसके प्रभाव और सावधानी को हम समझेंगे। पहले हम ये आसन पर लेट गए, ये एड़ी पंजे मिलाए, दोनों बाजू में देखिए शरीर के साथ लगा दी, श्वास भरते हुए टांगे सर की ओर आएंगी, श्वास बाहर निकालते वापसी आते हुए माथा घुटनों से आगे टांगों से स्पर्श करेगा। सर्वप्रथम दोनों बाजुओं को हम सर की ओर लेकर के जाते हैं और कोहनी से हथेलियों के पृष्ठ भाग तक धरती से स्पर्श करवा देते हैं, पंजों को तानेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सर की ओर लेकर के जाएंगे। आसन के बाद श्वासों को सामान्य अवश्य कर लें, क्योंकि गति वाला आसन है, अतः श्वासों को सामान्य करना बहुत जरूरी है। श्वास फूलने लगता है प्रारंभिक अवस्था में, जब साधना पक जाती है फिर धीरे धीरे श्वास फूलना भी बंद हो जाता है। किसे ये आसन नहीं करना चाहिए? जिसको लंबर की प्रॉब्लम है, पीठ की प्रॉब्लम है, या रीढ़ में कोई विकार है,
वह तब तक इस आसन का अभ्यास ना करें जब तक रीढ़ का दोष ठीक ना हो जाए। अगर सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस की शिकायत है तो वह गर्दन को सीधा रखते हुए इस आसन को कर सकता, अन्यथा ना करें। इस आसन के करने से रीढ़ की सारी गोटियां स्वस्थ बनती हैं, गोटियां लचकदार बनती हैं, वहां से निकलने वाला स्नायु तंत्र स्वस्थ बनता है, सक्रिय बनता है, और उनके आसपास की पीठ की जितनी भी कमर वाले भाग की मांसपेशियां हैं वह इस आसन के करने से प्रभाव में आती हैं। भुजाओं और टांगों के दोष ठीक होते हैं। पश्चिमोत्तानासन के सारे लाभ इस आसन में मिलते हैं। आप देखेंगे कि जब माथा आगे की ओर आप घुटनों से आगे लगाते हैं तो आपके पेट के सभी अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, अग्नाशय, पकवाशय, अमाशय, गुर्दे, एड्रेनल, ये सब प्रभाव में आते हैं। गुर्दों पर विशेष प्रभाव तब आता है जब पंजे सर की ओर जाकर के धरती से लगते हैं। बहुत सुंदर और बहुत प्रभावकारी आसन है। और जो शुरू में साधक अपनी जब साधना शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के करने के बाद, अगर इस आसन का अभ्यास किया जाए भले ही कम हो, धीरे 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 निपुणता आती है। इस आसन का अगर अभ्यास किया जाए तो शरीर में लचक बहुत तेजी से आती है, और जब तक लचक नहीं आएगी तब तक हम अन्य आसनों को नहीं लगा सकते। अतः यह आसन शरीर में लचक पैदा करने वाला आसन है।